It's time to Farhan. Now we here Nidhare Kaid at Karachi. So vlog banana shuru karunga abhi. So abhi pahuncha main. So raste mein to nahi bana saka kyunki rush bhi bahut hoti hai aur wo phir bahut time lag jata hai jiski wajah se vlog phir pura nahi ho pata. So abhi hum Nidhare Kaid mein enter ho chuke hain. Ticket chekit kiya, hustle and bustle bahut tha. So usse nikal ke hum andar aaye hain abhi. Abhi Nidhare Kaid ki taraf ja rahe hain jahan unki ग्रेव है. सो कैद आजम की कब्र जो है सो उधर चलते हैं. उसके बाद कुछ व्यू दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ आसपास का और बहुत अच्छा ग्रीनरी है सारी जगह पे. वो अगर आप मेरे बैग में देख रहे हो तो Nidhare Kaid है. तो चलते हैं, देखते हैं, लोगों से कुछ बातें करेंगे, कुछ इसके बारे में पूछेंगे. आज भी वहीं धूप बहुत ज़्यादा है, सन जो है बिल्कुल सर पर आया हुआ है मेरे. तो चलते हैं, देखते हैं, आगे लोगों से बातें करते हैं इंशाल्लाह और कुछ उनसे इसके बारे में पूछते हैं, हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में पूछते हैं. तो चलते हैं आगे, देखते हैं. जिस तरह फैसल मस्जिद का व्यू है, एज इट इज़ वाइट टाइल्स लगी हुई हैं, हर तरफ ग्रीनरी है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का. मतलब सफाई तो अभी तक मैंने देखी है, सफाई है. सो आगे चलते हैं. नाउ मतलब नज़दीक है पर यहाँ से तो बहुत दूर लग रहा है, कैमरे में नज़दीक लग रहा होगा. चलते हैं आगे, साथ साथ व्यू दिखाऊँगा आपको मैं. कुछ लोगों से बातचीत करते हैं इसके बारे में. और उस दिन तो यार जो अभी लास्ट मेरा व्लॉग बना है, मतलब उसमें आई थिंक शोर बहुत था, किसी से मैंने जितनी बातें की हैं उनको समझ नहीं लगी किसी को. तो ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आज फिर मैं अपने कैजुअल ड्रेस में हूँ. तो मतलब आज जुम्मा भी था तो ऐसे ऐसे देखते हैं आगे. जाने के लिए आई थिंक शूज़ यहाँ रखाने पड़ते हैं क्योंकि अंदर इस तरह फैसल मस्जिद के लिए आपको पता है अंदर जाने शूज़ों के साथ नहीं जाने देते. तो अभी उनके पास शूज़ रखाते हैं, फिर अंदर चलते हैं और अंदर का दिखाऊंगा आपको मैं. सो चलते हैं थोड़े टाइम बाद. चलिए हम अंदर आ गए हैं Nidhare Kaid की तरफ और ये देख लें आप, मतलब अब देखें लोगों को, मतलब जिस तरह फैसल मस्जिद में अंदर जाने के लिए शूज़ रखा देने पड़ते हैं, यहाँ भी रखाने थे. मैंने आपको जो पहले बताया वाइट टाइल के साथ सारा मटेरियल बिछा हुआ है, टाइल्स लगी हुई हैं, मतलब प्योर वाइट बनाया हुआ है इसको इन्होंने. तो ये यहाँ से आप देखते जाएं. नाउ ड्रीम हैज़ बीन फुलफिल.
क्योंकि जो किताबों में देखते थे, जिसको आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक अंदर जाने की भी इजाज़त है, तो अंदर चलेंगे, अंदर का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। पर अभी ये जो एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत टाइम बाद इसको पहली बार लाइफ में देखा है, तो चलते हैं अंदर, फिर कुछ बातें करेंगे लोगों से, उनको उसके बारे में पूछेंगे, हिस्ट्री के बारे में। मज़ार के अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। सो अंदर चलते हैं। सो लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, बीच में गुजर आए हैं। सो अभी अंदर आपको आई थिंक मेरी वॉइस पहुँच जाएगी, पर मैं आपको व्यू दिखाऊंगा सारा। ये आप देख लें, लोग बहुत हैं, अंदर जाके आई थिंक ये मुझे लग रहा है जैसे रोने की आवाज़ें आ रही हैं, पर आई डोंट नो क्या हो रहा है, ये आप देख लें। फाइनली गाइस, ये उनकी कब्र है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। सो दुआ करते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि आप देखें लोग बहुत हैं और यहाँ खड़ा होना मुश्किल ही है, क्योंकि वो बोलते हैं यहाँ से आगे आगे चलते जाओ। पाकिस्तान के जो बानी थे, आई थिंक सरदार अब्दुल रब नेश्तर, लियाकत अली खान और उनकी जो वाइफ है उनकी, और मुहतरमा फातिमा जिन्ना की कब्र थी। अभी हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो क्या आप लोग देख सकते हैं व्यू। Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Guys, again, ticket session. अंदर जाने के लिए, म्यूजियम जाने के लिए भी टिकट ले रहे हैं, कुछ पता नहीं है इनका यहाँ। अंदर आने के लिए भी टिकट दे रहे थे, अभी म्यूजियम जाने के लिए भी अंदर टिकट है। सो अभी अंदर चलते हैं, अंदर म्यूजियम देखते हैं। पिक्चर हैं उनकी, जो आई थिंक यहाँ कुछ कुछ लिखा है कि मिस्टर गांधी और 1944 में जब ये इकट्ठे उसका हेल्प ले रहे थे, और ये फाइन कर रहे थे, मतलब सारी पिक्चर्स पड़ी हैं उनकी। तो आगे चलते हैं, दिखाता जाता हूँ मैं आपको, देखते जाएं। मतलब तो यहाँ लोग बहुत खड़े हैं, जिसकी वजह से फोन रिक्वेस्ट करके उनको हटाना पड़ा। आएंगे तो सारे मतलब दिखा दूंगा मैं सब कुछ आपको, माई बैड के फुल चीज़ नहीं दिखा सकूंगा। तो ये सारे आई थिंक
मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखते जाएं आप। तो ये यार माय बैड, यहाँ रश बहुत अच्छी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से बनेगा। तो ये देखते जाएं आप, मतलब ये सारे वही वर्क पड़े हैं जिन पर ये लिखा हुआ था। और जाता हूँ मैं आपको, ये अगेन ये कुछ उनका बैड है आई थिंक, दादा मोहम्मद अली जना का, ये आप देख सकते हैं। ये सब कुछ इन्होंने एक इसमें बंद किया हुआ है बॉक्स में, ये आप देख सकते हैं। ये उनका डाइनिंग टेबल, ये सब कुछ, ये बेड हो गया, वो ये उनके शूज़ पड़े हुए हैं सैयदा मोहम्मद अली जना के, ये उनकी जो वाइफ थी उनकी पिक है आई थिंक, ये आई मैं उनका नाम भूल गया हूँ तो बता नहीं सकता उनका नाम। सो ये गाइस सोवर्ड है, बंदूक है, गन है, ये कैद आजम की, कैद आजम का नाम लिखा हुआ है ऊपर और जिंदाबाद लिखा हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं जहाँ मैं आपको अगर दिखा रहा हूँ। तो गाइस बैग पे उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं और कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में, और ये उनका टेबल है जहाँ खाना पीना खाते थे। और ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये देखें उनका जो सामान रखने की जगह थी ये वो है, क्योंकि हिंदुस्तान टेनरी कोलकाता, मतलब कोलकाता से जो उनको मिला था, क्योंकि कोलकाता का नाम पहले कोलकाता था। ये उनकी एक पिक्चर है जहाँ गहरी सोच में है, मतलब उधर लिखा हुआ है कैद आजम मोहम्मद अली जना आई डीम थॉट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखते जाएं आप, पर ये देख लें यार आप, रश भी देख लें, रश भी बहुत ज़्यादा है आई थिंक। यार मुझे ख़ुद भी नहीं पता ये एयरफोन मेरे काम कर रहे भी हैं कि नहीं। सो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ थोड़ी रश ख़त्म हो तो इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से मैं बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि ये देख लें उनकी ड्रेसिंग कैद आजम मोहम्मद अली जना की है, ब्लैक स्किल, हाँ यस, दादा ने तो खैर भला काला थी की सॉरी। ये भी उनका सूट है, ये सूट ही पड़े आई थिंक, या ये सारे सूट हैं उनके। सो उनकी मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ जिनमें सफ़र किया करते थे। तो गाइस ये उनकी गाड़ी है, चेक दिस, मतलब जिसे वो सफ़र करते थे, मीटिंग जाते थे। ये भाई पिक्चर क्लिक कर रहे हैं इनकी भाई की, तो बड़ी मुश्किल से होगी यहाँ क्योंकि। और ये देख लें आप, मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, एक गाड़ी इनकी ये है और एक ये है, कुरान मजीद है, ये फर्स्ट वन इज़ होली कुरान, जो ये उसके बाद करंसी के बारे में आ जाते हैं। तो ब्रदर एक मिनट थोड़ा सा, ये भाई ने, ये मैं आपको करंसी दिखा रहा हूँ उनकी, जो आई एस करंसी ही है, पहले इंडिया है पाकिस्तान है, एक ही रुपये पहले जो थी बड़े सफ़ीर में, मतलब दो कमी नज़रिया से पहले की है। ये देख लें आप, ये अगेन, ये भी कुछ एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं डेकोरेट के लिए, क्योंकि ये देख लें आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
बड़ा सा बना हुआ है, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, मतलब लोग यहाँ थोड़े बहुत गए हुए हैं, हम भी चलते हैं थोड़े टाइम बाद। ये ग्रीनरी सी है बैठने के लिए, कुछ मैं इधर थोड़े टाइम बाद चलता हूँ, मिलते हैं लोगों से। यहाँ देख रहे थे पहले हसल बसल, सीनियर सिटीजन मिले हैं, इनसे बात करते हैं कुछ। तो सर आप इस जगह के बारे में बताएं, कायदे आज़म की जो कब्र है। कायदे आज़म की माशाल्लाह मज़ार किसी पाकिस्तान में इसके मुकाबले में कोई मज़ार नहीं है। कायदे आज़म के मुकाबले बहुत और बड़ा बेहतरीन कायदे आज़म ने हमें पाकिस्तान बना के दिया, और उनकी बड़ी हमारे पर बड़े एहसान और मेहरबानी है। बिल्कुल ये बात तो कायदे आज़म की बड़ी बात है, और कायदे आज़म का सारा पूरा घर यहाँ पर मौजूद है, और कायदे आज़म के साथ ही उनकी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कायदे आज़म की चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते थे, गाड़ियाँ वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी है, वो भी एक्वेरियम में रखी हुई है, वो भी हम देख कर आ रहे हैं। हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। मैंने भी देखी है, ये एक कराची के सिटीज़न है जी, तो इनसे मुलाकात हुई है, मैंने इनसे इनकी एज पूछी है, तो ये 1952 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया, तो ये बच्चे हैं इनके, आई थिंक पोते छोटे हैं। आप बोल दें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ये वैसे इस बच्चे की बात लाने वाला, तो थैंक यू अंकल, बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो लोगों को भी ऊपर जाने नहीं दे रहा। हाँ बस ये मैंने सुना भी था कि मज़ार कायद का जो आखिरी टाइम है वो 6 बजे का है, तो 6 तो बज गए हैं, और मतलब अभी किसी को ऊपर जाने नहीं दे रहे। लोग यहाँ से खड़ के इनका व्यू देख रहे हैं, हमने तो अंदर से देख लिया। तो गाइस आपके लिए मैं अंदर गया था अंदर, क्योंकि वो आई थिंक कैमरा भी अलाउ नहीं था, मतलब वीडियो बनाना, सो मैंने वीडियो भी बनाई आपके लिए। सो गाइस प्लीज़ ये लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना, और ये भी देख सकते हैं आप। यहाँ से मैं आपको लास्ट व्यू दिखाता हूँ, इसमें अंदर और तो कुछ भी नहीं है बस, और सारा ग्राउंड ही है। तो मैं फिर व्लॉग फिनिश करता हूँ अपना, तो ये आप देख सकते हैं। ये तो वो जगह नहीं है जहाँ तुमने स्टार्ट किया था,
देखिए बस मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग आते हैं पिक्चर्स बना रहे हैं। दरअसल कैमरा अलाउ नहीं था ना, क्योंकि अंदर मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स बना लेता। सो गाइस आई थिंक फिर मुझे व्लॉग फिनिश करना पड़ेगा अपना। सो कुछ टाइम बाद फिर देखते हैं, लास्ट कोई व्यू नज़र आ गया तो बना लेंगे, नहीं तो फिर ये फिनिश कर देंगे व्लॉग हम अपना। देखते हैं कोई नेक्स्ट प्लेस पे विजिट कर लिया तो चले जाएंगे, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़।